खरगोन जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों में 1541 मतदान केंद्रों के लिए आज सुबह खरगोन स्थित शासकीय महाविद्यालय से चुनाव सामग्री का वितरण किया गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जीपीएस लगे वाहनों में ईवीएम मशीन लेकर कर्मचारी रवाना हुए। जिले में 6 विधानसभा क्षेत्र खरगोन, बड़वाह, भिकनगांव, महेश्वर, कसरावद और भगवानपुरा में 14,42,007 मतदाता 42 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 17 नवंबर को करेंगे। सामग्री वितरण के दौरान कलेक्टर कर्मवीर शर्मा और एसपी धर्मवीर सिंह मौजूद थे। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पहली बार जीपीएस से लेंस करीब 300 से अधिक वाहनों से ईवीएम मशीन और मतदान सामग्री रवाना की गई। करीब 4,500 सुरक्षा कर्मी, अधिकारी और पैरा मिलिट्री फोर्स स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्वक मतदान के लिए लगाए गए हैं। वहीं महाराष्ट्र से पहुंचे होमगार्ड के जवानों के अलावा वन विभाग और कोटवारों की भी ड्यूटी लगाई गई है। दोपहर 4 बजे तक सभी मतदान केंद्रों पर सामग्री लेकर मतदान दल पहुंच जाएंगे। इस बार चुनाव पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरों और बैकपोस्टिंग के माध्यम से कवर किया जाएगा। वहीं कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी कर्मवीर शर्मा ने मीडिया से चर्चा में क्या कुछ कहा, देखिए। निर्वाचन को लेकर देखिए, हमारे यहाँ पर पूरे विधानसभा में 1541 पोलिंग स्टेशन हैं, जिसमें 90 पोलिंग स्टेशन हमने ऑल वुमन, जिसको पिंक बूथ कहते थे, आज अभी ऑल वुमन बूथ कहते हैं, जिसमें कि चारों जो मतदान कर्मी हैं वो महिला अधिकारी रहेंगे। उनका पर्याप्त मात्रा पर प्रशिक्षण हुआ है और वे जो है ये अभी तक की सबसे बड़ी संख्या है जिसमें कि महिला अधिकारी जो हैं वो पोलिंग करवाएंगे। साथ साथ में लगभग 150 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहाँ 2 मतदान कर्मी जो हैं वो महिला अधिकारी हैं, 2 पुरुष हैं, 2 महिला हैं। तो इस प्रकार से इस बार महिलाओं में भी उत्साह है और पोलिंग पार्टीज के रूप में उन्होंने स्वयं भी अपना जो है वॉलेंटियर भी किया है। उनकी पर्याप्त व्यवस्थाएं उन पोलिंग स्टेशन में महिलाओं के हिसाब से हुई हैं। सभी पोलिंग स्टेशंस में दिव्यांगजनों के लिए हम लोगों ने व्हीलचेयर की व्यवस्था की है और दिव्यांगजन उनका उपयोग कर सकते हैं। एक एक विधानसभा में एक एक पोलिंग स्टेशन हमारे जो दिव्यांग हैं उनके द्वारा भी संचालित होगा। उनमें भी उत्साह है और उन्होंने भी अपनी कॉन्फिडेंस के साथ में शो किया है कि हम भी पोलिंग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो ये एक प्रकार से अच्छे साइन हैं, अच्छे सिग्नल्स हैं और ये नवाचार के रूप में लिया गया है। सर, बहुत से ऐसे मतदाता हैं जो बिल्कुल आ नहीं सकते, उनके लिए कुछ? देखिए, ऐसे मतदाताओं के जो 80 साल की उम्र से अधिक के थे या जो दिव्यांग थे, उनसे हमारे लोगों ने घर घर जाकर संपर्क किया था, उनको चिन्हित किया था और उनसे ये चॉइस ली गई थी कि या तो वो स्वयं भी आ सकते हैं पोलिंग स्टेशन पे यदि वो चाहें तो, या उनसे जो है उनके घर जाकर भी जो है पोल करवाया जाए। तो ऐसे लगभग 850 के आसपास मतदाता निकल के आए थे जिन्होंने घर पे आकर इच्छा जाहिर की थी। उन सभी के जो है पीबी जो पोस्टल बैलेट की जो प्रक्रिया है, जिनके मतदान की प्रक्रिया है, वो करवा ली। देखिए, खरगोन में 6 विधानसभा क्षेत्र है और 1541 पोलिंग स्टेशंस है। इन सभी पोलिंग स्टेशंस के लिए यहाँ आज 16 तारीख की सुबह पीजी कॉलेज खरगोन से मतदान सामग्री का वितरण और जो पोलिंग पार्टीज है उनका डिस्पैच का कार्य हो रहा है। हमने इन 1541 पोलिंग स्टेशन को लगभग 325 रूट में डिवाइड किया है। एक रूट पे एक बस है जो कि पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन तक पोलिंग पार्टीज को ले जाएगी। लगभग 150 सेक्टरों में इसको डिवाइड किया है, जिसमें सेक्टर ऑफिसर जो हैं इनकी रिपोर्ट लेंगे और फिर मतदान दल के साथ जाएंगे और उनको वहाँ व्यवस्थाएं करवाएंगे। सभी मतदान कर्मियों को जो है आवश्यक सामग्रियाँ जितनी भी है और दवाइयाँ वगैरह जो हैं और सामग्रियाँ हैं सब वितरित की जा रही हैं। सभी रूट की बसें जो हैं वो यहाँ पड़ोस में जो मंडी प्रांगण है वहाँ पर लगी हुई हैं। पुलिस पर्सनल्स भी जो है वो साथ में जा रहे हैं। जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो भी पोलिंग पार्टीज के साथ ही जाएंगे, आज उसी बस में जाएंगे, सेम बस में जाएंगे और कल मतदान के बाद सेम बस में दोनों पार्टीज यहाँ आएंगी। सभी मतदान 17 तारीख को जो होगा उसके पश्चात जो कलेक्शन का काम है वो भी इसी स्थल पर, इसी लोकेशंस पे हो गए। तो एक तरह से पूरी व्यवस्थाएँ संचालित हो गई और आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों ने अपना सामग्री ले लिया है। अगले 1-2 घंटे में सभी अपने अपने गंतव्य तक पहुँच जाएंगे।
देखिए एसपी धर्मवीर सिंह ने मीडिया से चर्चा में क्या कुछ कहा। वितरण किया जा रहा है, किस प्रकार की तैयारियां सर चुनाव कराने को? देखिए खरगोन जिले में 17 तारीख को सभी 6 विधानसभा में कल वोट डाले जाएंगे। आज हम लोग यहाँ मंडी प्रांगण में खड़े हैं, सभी विधानसभाओं की मतदान पार्टियां रवाना हो रही हैं। ये सुरक्षा व्यवस्था केंद्र बनाया गया है जहाँ पर पृथक पृथक सभी 6 विधानसभाओं के लिए जो भी सुरक्षा बल लगा हुआ है उसको हम लोग डिस्पैच कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था में सभी मतदान केंद्रों पर यूनिफॉर्म कोड लगाया गया है, विशेष पुलिस अधिकारी डिप्लॉयड हैं। इसके अलावा लगभग 200 पुलिस की पेट्रोलिंग मोबाइल्स हैं, पुलिस की सेक्टर जो मोबाइल्स हैं उनकी पेट्रोलिंग की व्यवस्था कुछ इस तरीके से की गई है कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर कोई ना कोई मोबाइल पेट्रोलिंग करती रहेगी। हमने लगभग जो हमारे संवेदनशील मतदान केंद्र थे उनमें से 55% मतदान केंद्रों को CAPF से कवर किया है। मतदान केंद्रों पर CCTV कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। जो भी शैडो एरिया के मतदान केंद्र हैं उनमें वायरलेस सेट के माध्यम से कम्युनिकेशन होगा और उन मतदान केंद्रों के सेपरेट जोनल मोबाइल लगाई गई हैं। लगभग 4,500 के आसपास हमारे सुरक्षाकर्मी पूरी चुनाव व्यवस्था को संभालेंगे और हमको ये पूरा विश्वास है कि पूरे जिले की सभी विधानसभाओं में बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से निर्विघ्न मतदान संपन्न होगा। GPS सिस्टम भी लगाया सर वाहनों में पहली बार सर वेब कास्टिंग के जरिए? देखिए जैसे कि माननीय निर्वाचन आयोग के आदेश हैं सेक्टर मजिस्ट्रेट मोबाइलों में GPS सिस्टम लगाया गया है। GPS सिस्टम का जो मॉनिटरिंग है वो कंट्रोल रूम के माध्यम से की जाएगी। इसके अलावा जो वेब कास्टिंग है और जहाँ जहाँ CCTV कैमरे लगाए गए हैं उनके माध्यम से भी कंट्रोल रूम में बैठ के उनकी गतिविधियों की निगरानी होगी। तो पूरी इलेक्शन व्यवस्था को बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान किया गया है और बहुत ही मजबूत सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है जिससे कि बिना किसी व्यवधान के बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान हो सके। कितना सर बल लगाया और कहाँ कहाँ से सर इसमें बल लगाया गया? देखिए जो हमारे संवेदनशील मतदान केंद्र हैं उनमें 55% मतदान केंद्रों को पैरामिलिट्री फोर्स का बल लगाया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स के अलावा जो अन्य मतदान केंद्र हैं उसमें महाराष्ट्र होमगार्ड का काफ़ी बड़ी संख्या में बल अलॉट हुआ है उसको लगाया गया है। बाकी जिला पुलिस बल लगा हुआ है, अन्य विभागीय कर्मचारी जो लगभग 1800 के आसपास है उनको विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, वो भी मतदान केंद्रों पर अपनी सेवाएँ देंगे। खरगोन से अबरार पठान की यह रिपोर्ट।